हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो हेयर से रिलेटेड है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बनाना बताऊंगी, साथ में अपने बालों पे लगाना भी बताऊंगी। और इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगेगी, आपके बाल सफ़ेद से काले होने लगेंगे, आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आपके बाल अगर पतले हैं तो वो भी मोटे हो जाएंगे, बालों की लंबाई भी बढ़ने, सब कुछ आपके बालों में होने लगेगा। और ये बहुत ही पुराना नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। आजकल क्या है ना कि लोग बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, घर के बने हुए चीज़ों पर लोग कम विश्वास करते हैं, है ना? ऐसा ही है ना। लेकिन जो मैं आज आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताऊंगी जो बहुत ही पुराना है, बहुत ही जो हमारे जो पुराने लोग होते थे, दादी नाना मतलब नानी के जमाने के जो लोग होते थे, वो इस चीज़ को यूज करते थे। तो आज मैं भी आपको वो चीज़ यूज करके दिखाऊंगी, और मैंने बहुत सारे वीडियो में उसको यूज़ किया भी है और रिजल्ट आपने मेरे बालों पे देखा भी है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बालों में लगाना भी बताऊंगी, साथ में आपको इसका रिजल्ट भी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर आपको मेरे बालों का रिजल्ट देखना है कि उसको लगाने के बाद हमारे बाल का क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, तो पर बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्यों अनजोशी कर देते हैं लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज हम बात करते हैं आंवला रीठा और शिकाकाई की। आंवला रीठा शिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल रामबाण उपाय है। बालों में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आंवला रीठा और शिकाकाई, और अगर आपके पास भृंगराज पाउडर है तो वो भी ले सकते हैं। चारों चीज़ें हमारे बालों के लिए बिल्कुल जड़ी बूटी है ना, कह सकते हैं जड़ी बूटी है। तो चलिए इसका मास्क कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं। और हाँ, आज के इस मास्क का मैंने यूज़ किया है अंडा। अगर आप लोग अंडा नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आप बनाना भी ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस पैक को बनाना बताते हैं और फिर अपने बालों में लगाना भी बताते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। हेयर मास्क बनाने के लिए हमने एक खाली बाउल लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक कांच का बर्तन लिया है। और फर्स्ट इंग्रेडिएंट से हमारा शिकाकाई पाउडर। तो हम बालों की लंबाई के हिसाब से शिकाकाई पाउडर ले लेंगे। मैं यहाँ 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर ले लेती हूँ। शिकाकाई पाउडर में विटामिन सी आपके बालों पर जादुई असर करता है। यह प्राकृतिक तौर पर हमारे बालों का जो प्राकृतिक ऑयल होता है उसको बनाए रखता है और हमारे बालों को चमकदार एवं स्वस्थ बनाता है और हमारे बालों को मजबूती भी देता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है रीठा पाउडर 2 चम्मच। 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर लेंगे हम, 2 चम्मच रीठा पाउडर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बालों की लंबाई के हिसाब से ही पाउडर को ले लेंगे। और अब हमने लिया है यहाँ पर आंवला पाउडर 2 चम्मच। आंवला में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर मैंने लिया है भृंगराज पाउडर। अगर आपके पास भृंगराज पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप 3 चीज़ आंवला रीठा शिकाकाई 3 चीज़ ले लीजिए और भृंगराज पाउडर को आप स्किप कर दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात, आप उसको भी ले लीजिए। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब इनको मिक्स करेंगे हम तो ये एक बहुत ही अच्छा मिश्रण बन जाएगा। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। ये मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, इसको हम मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट पेस्ट बना लेंगे। जैसे हम मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं ना, जब अपने बालों में मेहंदी लगाते तो जैसा पेस्ट बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। इससे हमारे जो मैंने पैक बनाया है इससे हमारे बाल चमकदार एवं स्वस्थ बन जाएंगे। और ये तीनों हर तरह के बालों के लिए सही है। इससे 2 मुंहे बाल, झड़ते बाल, सफ़ेद होते बाल से छुटकारा पा सकते हैं। इससे हमारे बाल मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। तो देखिए कि सॉफ्ट पेस्ट बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें एक चीज़ और मिक्स करेंगे, बताइए क्या मिक्स करेंगे? तो बहुत ही अच्छी चीज़ मिक्स करेंगे और इससे हमारे बाल सिल्की हो जाएंगे, शाइनिंग हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं मिक्स करूँगी अब अंडा। जी हाँ, अब हम इसमें मिक्स करेंगे अंडा। अगर आप अंडा नहीं यूज़ करते तो आप अंडे की जगह केला ले लीजिए। केले को अच्छे से पील कर लीजिए और फिर उसको इसमें मिक्स कर लीजिए, नहीं तो आप उसको ग्राइंडर से भी पीस कर इसमें मिक्स कर सकते हैं। अंडा भी बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है, हमारे बालों को शाइनिंग देता है, हमारे बालों को सिल्की बनाता है। तो यहाँ पर अंडे को भी मैंने मिक्स कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है अंडा नहीं यूज़ करती तो आप केले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंडे को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और आमला रीठा सिकाकाई का शैम्पू भी बनता है ना। आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो लोग थे वो बोलते थे कि हमेशा अपने बाल आमला रीठा सिकाकाई के शैम्पू से धो लो, क्योंकि बाहर के जो शैम्पू कंडीशनर आते हैं बहुत सारा केमिकल होता है, तो हम लोग बात जानते ही हैं ना, जो चीज़ नेचुरल होती है वो नेचुरल ही होती है, भले ही देर में वो वर्क करती है लेकिन वर्क वो बहुत ही अच्छा करती है। तो गाइस हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पर मैंने एनिमेट का विटामिन ई कैप्सूल लिया है। इसका ऑयल जो होता है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए इतना अच्छा होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब इतने सारे इसके गुण होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने 2 विटामिन ई कैप्सूल लिया, उनका ऑयल मैंने इसी मास्क में मिक्स कर दिया है, और इसका वीडियो में भी मैंने 2-3 अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, फुल डिटेल मैंने दी है उसमें विटामिन ई कैप्सूल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे यूज़ करना है, मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो देखिए, आपको सब कुछ जितने भी आपके मन में डाउट है सब चले जाएंगे। तो देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन के हो गया है यहाँ पर रेडी। तो इस मास्क को अभी हम अपने बालों पे अप्लाई करके भी दिखाएंगे गाइस, आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे एंड में। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये तीनों चीज़ हमारे बालों के लिए बिल्कुल रामबाण है, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर मैंने अपने बालों को पूरा खोल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरे बालों को खोल लिया, अच्छे से बालों को सुलझा लेंगे। उसके बाद मैंने जो हेयर मास्क बनाया उसके अपने उसको अपने बालों पर लगा लेंगे, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं ना उसी तरह से लगा लेंगे। हाँ जूड़ा वाला नहीं लगाएंगे, जूड़े वाली मेहंदी हम लगाते हैं उस तरह से नहीं लगाएंगे, सिंपली इसको अपने बालों में हम अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक ब्रश लिया है, ब्रश की हेल्प से अपने बालों में पूरे बालों में अच्छे से इसको लगा लेंगे। और आमला रीठा सिकाकाई में कई ऐसे गुण होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। आमला में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होता है, यह ख़राब हुए बालों को या फिर जो ख़राब होने वाले बाल हैं उनको भी ये ठीक करता है। और रीठा में भी बहुत सारे ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह एक बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और संक्रमण पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर करके स्कैल्प को स्वस्थ रखता है। आमला और रीठा के साथ साथ सिकाकाई भी पोषक तत्वों का भंडार है ना। सिकाकाई को एकेसिया कोसिया भी कहा जाता है। इसमें निहित विटामिन सी आपके बालों पर बहुत ही अच्छा असर करता है और इसका जो सिकाकाई का पीएच जो लेवल होता है वह बहुत ही कम होता है और हमारे हेयर में जो नेचुरल ऑयल होता है उसको वह बनाए रखता है। उसी के साथ साथ हमारे बालों को स्वस्थ एवं चमकदार बनाता है, यह हमारे बालों को बहुत ही मजबूती देता है और साथ में कंडीशनर का भी काम करता है। तो इस हेयर मास्क को लगाने के बाद हमें अपने बालों को धुलना कैसे है गाइस वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलो फटाफट से पहले हम पूरा हेयर मास्क लगा लेते हैं। हेयर मास्क मैंने पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं पूरे बालों में अच्छे से लग गया। अब इसको हम कम से कम 1.5 से 2 घंटे अपने बालों में लगा रहने देंगे, उसके बाद हम अपने हेयर को वॉश कर लेंगे। और हेयर वॉश हम करेंगे शैम्पू से, क्योंकि हमने अंडे का यूज़ किया है तो अंडे की जो स्मेल आती है ना वो अच्छी नहीं लगती है ना हम लोगों को, तो उलझन सी होती है। तो उसके लिए हम कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेंगे, और अगर हम अंडा यूज़ नहीं करेंगे तो हम सिंपली अपने बालों को भी वॉश कर सकते हैं बिना शैम्पू के, लेकिन हमने अंडा यूज़ किया उसके लिए हम शैम्पू का यूज़ करेंगे अपने बालों को धोने के लिए। तो यहाँ पर हम मास्क को लगा रहने देते हैं और हेयर वॉश करने के बाद आपको अपने हेयर दिखाते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। सो गाइज मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया और अभी मेरा बाल पूरी तरह से सूखा नहीं है, सेमी ड्राई है मेरा हेयर, और रिजल्ट आप देख सकते हैं गाइज बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। जो मेरे बालों में चमक दिख रही है आपको वो बहुत ही अच्छी चमक मुझे लग रही है और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे बाल काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं, मुझे काफ़ी सिल्की लग रहे हैं। मुझे जैसा कि आपने देखा मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा कर लिए हैं ना, लेकिन मैं कुछ ना कुछ अपने बालों में लगाती ही रहती हूँ जिससे मेरे बाल सिल्की और शाइनिंग बने रहते हैं। तो गाइज़ कैसा लगा आपको हमारा ये हेयर मास्क और आमला रीठा सिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गाइज़ अगर आपने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया है और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका शैम्पू कैसे बनता है, होममेड जो शैम्पू होता है उसका कैसे बनता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो मैं आपको वो भी बताऊँगी। और अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर अगर आप कुछ भी पूछ रहे तो आप मुझसे पूछ सकते। तो
मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है फ्रेंड्स, अपने बालों के साथ सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मेरा बाल पूरी तरह से सूखा भी नहीं है, तो हल्का हल्का सा गीला भी है, तो अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा बाल घना और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी मैंने आपको आमला रीठा शिकाकाई के बारे में सब कुछ बताया है ना, क्या क्या होता है और कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। बहुत ही पुराना ये नुस्खा है जिसको हम लोगों को अजमाना चाहिए और इसको अपने बालों पर लगाना भी चाहिए। तो गाइज, आज की वीडियो में मैंने आपको आमला रीठा शिकाकाई के बारे में सब कुछ बताया, कैसे अपने बालों पर लगाना है और क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने हेयर को वॉश कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया, तो उसके बाद आप मेरे बालों को देख सकते हैं कितने सिल्की शाइनिंग एंड कितने ये ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हेयर को, और आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा मेरा बाल कितना कर्ली था, मतलब धीरे धीरे करके मेरा बाल अब ठीक हो रहा है। बहुत ज़्यादा मेरा बाल कर्ली था, और जैसे जैसे मैं अपने हेयर की केयर कर रही हूँ और वैसे वैसे मेरे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, साथ ही मेरे बाल सिल्की भी हो रहे हैं, है ना। और देख सकते हैं आप मेरे बाल। और आमला रीठा शिकाकाई तो बहुत ही पुराना नुस्खा है ना, जिसको पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते थे, क्योंकि पहले साबुन शैम्पू ये सब तो आता ही नहीं था, आमला रीठा शिकाकाई से ही सब लोग अपने बालों को धुलते थे। और पहले के लोगों के बाल भी बहुत ही अच्छे होते थे, इसीलिए होते थे क्योंकि वो बाहर के कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे, घर के बने हुए प्योर एंड नेचुरल चीज़ें यूज करते थे, इसलिए उनके बाल बहुत ही अच्छे होते थे, है ना। तो हम लोग भी तो इस चीज़ को कर सकते हैं, है ना। तो मैंने किया है, आप भी करिए, इस चीज़ को ट्राई करिए। और आमला रीठा शिकाकाई अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो मार्केट में आपको ये साबुत भी मिल जाएगा, उसका पाउडर आप घर पे बना सकते हैं, आप उसका हर्बल शैम्पू भी घर पे बना सकते हैं। अगर आप उसको हर्बल शैम्पू की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका शैम्पू भी बनाना बताऊंगी। तो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।